गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं BFA एंट्रेंस एग्जाम और जो रैंकिंग लिस्ट हमारी कल रिलीज हुई है, आउट हुई है, उसके बारे में कुछ क्लियर करना चाहूंगी। ठीक है, जैसे BFA वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने BFA के एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल किए हैं या फिर CUT दिया था BFA के लिए ओनली, तो उनकी जो है रैंकिंग लिस्ट आउट नहीं हुई है। तो BFA की जो रैंकिंग लिस्ट है वो आउट नहीं की गई है, ओनली BFA की, क्योंकि BFA का जो एंट्रेंस एग्जाम जो प्रैक्टिकल का होना है वो अभी बाकी है और उसके बिना BFA का कोई रैंक नहीं बन सकता है ना। तो इसीलिए BFA की जो है रैंकिंग लिस्ट आउट नहीं की गई है। और जिन बच्चों ने अपने अपने रैंकिंग लिस्ट कल ओपन करके देखी, सिमिलरिटी रैंकिंग लिस्ट जो आई है वो ओपन करके देखी और नीचे दिखा रहा था नो डाटा, जैसे मेरे में भी दिखा रहा है, मैं अपना दिखा दूंगी कैसे दिखा रहा था, तो इस टाइप से शो हो रहा था। और उसके बाद बच्चे जो है जिन्होंने BFA के लिए फॉर्म फिल किए थे वो जो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक में हो गए होंगे कि भाई हमारा तो दिखा नहीं रहा, हमारी तो रैंकिंग लिस्टिंग दिख रही, शायद हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चला होगा, है ना। तो वही क्लियर करना है, इसमें अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BFA का जो है रैंकिंग लिस्ट अभी तक आउट हुई नहीं है और मेरे ख्याल से अभी बनी भी नहीं होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एग्जाम के रैंकिंग लिस्ट बन नहीं सकती। क्योंकि जब तक BFA मेन कोर्स हमारा BFA है, तो BFA के लिए जो हम एंट्रेंस दे रहे हैं वो जब तक हम कंप्लीट नहीं कर देते, हमारी रैंकिंग लिस्ट नहीं हो सकती कंप्लीट, है ना। तो इस तरह से देन बहुत मैंने वीडियोस सर्च करने की कोशिश की और कमेंट्स भी देखे मैंने, तो उनमें भी यही बच्चों की थी कि क्वेश्चंस थे और टेंशन थी बच्चों की कि हमारी रैंकिंग लिस्ट नहीं आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ या फिर कुछ भी ऐसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, किसी की भी BFA वालों की किसी की भी रैंकिंग लिस्ट अभी नहीं आई है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, है ना। तो और जो BFA के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी टेंशन फ्री हो सके कि लिस्ट अभी तक आई नहीं है कुछ भी, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना था कि टेंशन ना लें और प्रैक्टिकल की पूरी प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम देने जाएं। ठीक है, एडमिट कार्ड जब आना होगा, एग्जाम से 3 या 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है और वही आएगा, जैसे 4, 5 और 6 को 3 दिन एग्जाम है, तो उनसे 4 तारीख को एग्जाम जो है उससे 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसकी वीडियो भी हम डाल देंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा और किस तरह से आप देख सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और लाइक कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। Bye!